जो आत्महत्या के जितने मामले हैं दुनिया में 18% शराब पीने के कारण है। आपसी झगड़े का 18% दुनिया में दारू के कारण, सड़क दुर्घटनाओं का 27% सड़क चलाने वाला दारू पिएगा तो ये पूरे दुनिया का ये फिगर है, और मिर्गी का 13% मामला शराब के सेवन के कारण। कितनी कितनी गंभीर बताई, लीवर की गंभीर बीमारी, लीवर सिरोसिस के कुल मामलों का 48%, माउथ कैंसर के कुल मामलों का 26%, पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी, पैंक्रियाइटिस, पैंक्रियाइट का सूजन का 26%, टीबी का 20%, बड़ी आंत के कैंसर का 11%, ब्रेस्ट कैंसर का 5%, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज का 7% मामला दुनिया भर में शराब के कारण। अब बताइए, शराब पीने के कारण जब ये स्थिति है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा अध्ययन करके निकाला, तो हम लोगों को एक एक चीज को, सबसे ज्यादा जो है शराब के कारण मृत्यु टीबी, एचआईवी एड्स और मधुमेह से होने वाली मृत्यु से अधिक है शराब पीने के कारण। आप बोलिए, इन सब बीमारियों से जितनी मृत्यु होती है उससे भी अधिक मृत्यु सिर्फ शराब पीने के कारण। इसलिए जरा शराब पीने वाले और दूसरों को शराब पीने के लिए प्रेरित करने वालों से भी मैं कहूंगा, कुछ तो सोचो, जाना तो सबको है, रहना तो किसी को नहीं है, आज न कल तो जाएगा, लेकिन क्यों लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हो? यहां रहेगा, काम करेगा, और जो उसका उसकी जो अंतरात्मा है उसके मुताबिक वो काम करेगा। ये दारू पिला करके लोगों को बर्बाद करना, अब कुछ अमीर उम्राओं लोग, चंद कुछ पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग जिनको इस बारे में कोई चिंता नहीं है, मान लीजिए चंद लोग होंगे जिनको कोई चिंता नहीं है, उनको कोई भी बीमारी होगी तो अपना यहां इलाज कराएंगे, दिल्ली में कराएंगे, मुंबई में कराएंगे, इंग्लैंड में कराएंगे, अमेरिका में कराएंगे, इतने अमीर हैं। लेकिन जरा गरीब लोगों का सोच लीजिए, अगर दारू पिएगा तो मर जाएगा, उसका इलाज तक कोई नहीं करा सकता। तो इसलिए इन सब बातों के बारे में सोचना चाहिए, और चंद लोग जो हम लोगों के ये नशा मुक्ति और शराबबंदी के इस अभियान के बहुत खिलाफ हैं, कुछ लोग जान लीजिए मेरे खिलाफ हो गया है परमानेंट, हमको कोई चिंता नहीं। जब तक हम हैं इस प्रश्न पर कोई समझौता हम करने वाले नहीं है, ये तो बिल्कुल होगा। और जन जागृति का अभियान, अब ये बिल्कुल करने के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, आज हम बता देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि अब हम लोग 2 बार 21 जनवरी को कर चुके, 2017 में नशा मुक्ति के लिए, शराबबंदी के लिए, 2018 में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। अब हमने कहा इन लोगों को, और आज मैं बता देना चाहता हूं कि फिर 2020 के 21 जनवरी को मानव श्रृंखला हम लोग बनाएंगे, और उसमें 2 के लिए हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए फिर से करेंगे, शराबबंदी के पक्ष में और जन जागृति और उसका परिचायक हो गया होगा वो, और फिर समाज सुधार के लिए दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, और उसके साथ साथ जो पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हुआ, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, और इससे लोगों की रक्षा के लिए जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान का निर्णय लिया और उस पर काम करना शुरू किया, तो उसके साथ साथ जल जीवन हरियाली अभियान के लिए भी, यानी तीनों बातों के लिए, नशा मुक्ति, समाज सुधार, बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ, और तीसरा जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, इन तीनों चीज का जबरदस्त अभियान पूरे बिहार में चलेगा, और 21 जनवरी को फिर पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनेगी, और हम बिहार ही नहीं पूरे देश को और देश के बाहर के लोगों को भी बता देना चाहेंगे कि बिहार के लोगों का मन
समाज सुधार के लिए और जो गलतियां हैं उसको दूर करने के लिए और जो कुछ भी है जल के संरक्षण के लिए हरियाली को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों के लिए मिलकर काम करेंगे तो भाई यहां जीविका की दीदियां हम सब से कहेंगे एक एक चीज के लिए मिलकर के अब 1 करोड़ परिवार से भी ज्यादा परिवार जुड़ चुका है जीविका समूह से और हमारा लक्ष्य जो है 10 लाख स्वयं सहायता समूह का जीविका समूह का 8,70,000 हो गया है। जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा और जो परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ दीजिए उनको जोड़ लीजिएगा जीविका समूह के साथ क्योंकि जीविका समूह के साथ जुड़ेंगे वो परिवार के लोग महिलाएं जुड़ेंगी तो उनमें भी जागृति आएगी और वो भी अन्य प्रकार से अपने परिवार को चला पाएंगे। तो इसलिए ये सब काम करना चाहिए और हम सब लोगों को एक एक काम इसके लिए पूरे परिश्रम के साथ और जो कुछ भी हुआ है भाई इसके लिए अभियान चलाया है हमने तो उसकी समीक्षा की और हमारे डीजीपी साहब ने जो कार्रवाई हुई उसकी चर्चा कर दी है लेकिन हमको तो कार्रवाई करना है लोगों को ये भी तो बता दीजिए गांधी जी का शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता कुछ कहने की जरूरत इतने कही जाता गांधी जी ने क्या कहा बापू ने शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता जो आदमी है वो हैवान हो जाएगा तो इसी को पूरे तौर पर प्रचारित करवाइए और सब चीजों को प्रचारित करवाइए और मुझे खुशी है आप लोगों ने इस पर सोचा इसलिए अब इसको लेकर के ये अभियान तो निरंतर चलना है गड़बड़ करने वाले लोगों को पकड़ना भी है लेकिन लोगों को कन्विंस भी करना है प्रेरित भी करना है कि भाई ये सब काम मत करो अपने जीवन के लिए अपने परिवार के लिए और समाज के लिए ये काम करिए। तो अब तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया ये रुकने वाला नहीं है चल पड़ा है कारवां तो बीच में रुकना मना चल पड़ा है कारवां तो बीच में रुकना मना तो हम लोगों ने तो कारवां शुरू कर दिया अप्रैल 2016 से तो ये जो कारवां चल पड़ा है इसका बीच में रुकना मना है ये रुकने वाला नहीं है ये कारवां जो चला है समाज सुधार का ये रुकेगा नहीं चलता रहेगा। विघ्न पथ को लांघना है रास्ता में तो कई प्रकार की विघ्नता आएगी कठिनाई आएगी कुछ गड़बड़ करने वाले लोग रहेंगे इसलिए पथ तो विघ्न है तो विघ्न पथ को लांघना है हार ना झुकना मना है हार कभी मत कबूल कीजिए झुकिए मत इसलिए फिर से चल पड़ा है कारवां बीच में रुकना मना है विघ्न पथ को लांघना है हार ना झुकना मना तो आज के दिन यही संकल्प ले लीजिए और लोगों को प्रेरित करिए लोगों को प्रशिक्षित करिए लोगों के बीच में ये अभियान चलाइए और बता दीजिए कि भाई शराब बहुत बुरी चीज नशा बहुत बुरी चीज है इससे मुक्ति पाइए और तब समाज को आगे बढ़ाइएगा परिवार को आगे बढ़ाइएगा देश आगे बढ़ेगा। तो इस सब काम के लिए हम लोगों को निरंतर करना और देख लीजिए कोई कंप्रोमाइज नहीं ये काम करते रहेंगे हमने तो नारा भी आपके सामने रख दिया लेकिन अब हम इसके लिए डीजीपी साहब को बधाई देते हम सबको अफसर लोगों को बधाई देते हैं मुख्य सचिव भी बैठे हुए इधर तो बेचारे 5-6 दिन घर में शादी था बेटा का इसके लिए वो मीटिंग में नहीं थे लेकिन अब तो सब इनको बता देगा कि मीटिंग में क्या क्या तय कर दिए और ये जान लीजिए मुख्य सचिव महोदय और आपके पहले वाले मुख्य सचिव जो परामर्शी है और हमारे अपर मुख्य सचिव शिक्षा भी बैठे हुए सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अब 21 जनवरी 2020 में जो मानव श्रृंखला बने अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दे और दुनिया का रिकॉर्ड तो सदैव टूटा हुआ है। तो यही आप सब लोगों के आज के इस अवसर पर कहना है और संकल्प कर लें निर्णय ले लें इसलिए कुल मिलाकर हम सब मिलकर चलेंगे समाज की सेवा करेंगे और एक बात जान लीजिए हमारे लिए तो लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है हमारा धर्म है लोगों की सेवा करना और ये लोगों की सेवा करना है समाज सुधार वह भी है सिर्फ विकास का काम नहीं कौन काम छोड़ रहे हैं विकास का एक एक काम किया है लोग सपना नहीं देखते थे
हर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचा देंगे, कौन काम नहीं, शौचालय एक एक चीज, विकास का भी काम, लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार भी बहुत जरूरी है। सिर्फ विकास से काम नहीं चलेगा, जब तक समाज सुधार नहीं होगा, सामाजिक प्रवृत्ति ठीक नहीं होगी, तब तक विकास का भी लाभ लोगों को ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 21 जनवरी 2020 को नशा मुक्ति के लिए, समाज सुधार, बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, एक तरफ जल, एक तरफ हरियाली, बीच में जीवन है। जल है और हरियाली है तभी जीवन है, अगर जल और हरियाली खत्म तो जीवन खत्म हो जाएगा। जल है महत्वपूर्ण, दारू नहीं है महत्वपूर्ण, ये सब लोगों को समझाइएगा। ये जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से तो इतना ही कहते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और जो हम लोगों का संकल्प है इस पर हम लोग पूरे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। चल पड़ा है कारवा, बीच में रुकना मना है, अभियान को लेकर निरंतर चलना है। इन शब्दों से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण की समाप्ति